हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत ही अच्छा हेयर पैक बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, आगे मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लेनी है मेहंदी। मैंने ली है यहाँ पर नेहा मेहंदी। तो फ्रेंड्स, नेहा मेहंदी बालों के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐड होती हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए और बालों को अच्छा कलर देने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसके लिए मैंने ली है लोहे की कढ़ाई, और लोहे की कढ़ाई में आयरन होता है जो बालों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो लोहे की कढ़ाई में आप जितनी मेहंदी लेना चाहते हैं उतनी मेहंदी ले लीजिए। उसके बाद मैंने ये चाय पत्ती का पानी पका लिया था और इसको ठंडा करके रख लिया था। इसमें मैं ये मेहंदी को घोल लूँगी। तो आप इसको अगर विस्क की हेल्प से घोलते हैं मेहंदी को, तो ये इजीली घुल जाती है। हाथों से मेहंदी को घोलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसके लम्ब्स नहीं हटते हैं। तो इस तरीके से आपको उस मेहंदी को घोल लेना है। तो चाय पत्ती जो है वो बालों को एक बहुत ही अच्छा कलर देने में हेल्प करेगी, चाय पत्ती का पानी। तो इस तरीके से पतला सा इसका एक पेस्ट बना लीजिए, और इस पेस्ट को आपको अच्छे से चला लेना है, और फिर ओवरनाइट इसको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर सुबह को हम इसमें डालेंगे, जो चीज़ डालेंगे वो भी आगे मैं आपको बताती हूँ। पूरी रात इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप चाहें तो 3-4 घंटे के लिए उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फिर सुबह को आपको लेने हैं हिबिस्कस फ्लावर्स, यानी कि गुड़हल के फूल और थोड़ी सी पत्तियाँ। तो फ्रेंड्स, ये जो गुड़हल का फूल होता है ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके बालों को मजबूती देता है, बालों का डैंड्रफ भी ख़त्म करता है, और ये बालों को सॉफ्ट बनाने में बहुत हेल्प करता है। इससे आपके जो बाल हैं वो उलझते भी नहीं हैं। तो इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं गुड़हल के फूल के और पत्तियों के। तो आपको क्या करना है, आपको मिक्सी जार में इसका पेस्ट बना लेना है। अगर आप चाहें तो इसको पीस कर अपने बालों में ऐसे ही लगा सकते हैं बालों को सॉफ्ट बनाने के लिए। बट अभी हम इसको मेहंदी में घोल रहे हैं, तो हम इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेते हैं। तो मैंने 2 से 3 फूल लिए हैं और 3 से 4 पत्तियाँ ली हैं। इनको मैंने इस तरीके से पीस लिया है मिक्सी ग्राइंडर में, और अब हम इसको अपनी मेहंदी में डाल देंगे। तो ये बालों में जब हम धोते हैं तो ये बिल्कुल नहीं चिपकता है, इजीली निकल जाता है। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए और फिर इसको आप अपने बालों में लगाइए। तो फ्रेंड्स, ये जो मिक्सचर है आपके बालों को बहुत अच्छा एक न्यूट्रिशन देगा, आपके बालों को अच्छी ग्रोथ देगा और एक बहुत ही अच्छा कलर देगा। तो इस तरीके से इसको घोलना है और फिर अपने बालों की लेयर्स में आप इसको लगा लीजिए। तो ये मैंने पूरी मेहंदी नहीं ली है, क्योंकि मैं मेहंदी आए दिन लगाती रहती हूँ, तो मैं इसको सिर्फ स्कैल्प में लगा रही हूँ, ताकि जो वाइट बाल हैं या फिर जो बालों का में डैंड्रफ है वो ख़त्म हो जाए और बाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो ये जो हेयर पैक है बहुत ही अमेजिंग है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसको आप वॉश करेंगे ये ईजिली आपके बालों से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।